नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के त्रिपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने चार प्रकार के सर्वनाम बताए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो और सर्वनाम के प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सर्वनाम के प्रकार, तो उसमें पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था आपके निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक और चौथा था संबंधवाचक। आज जो लेंगे तो वो पांचवा होगा, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमने पुरुषवाचक पिछले वीडियो में बताया था, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और ये किस प्रकार होते हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न होने का बोध होता है, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वहाँ कौन है, यह किसने किया, यह क्या हो गया, तो ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ तो उसी के अनुसार परिभाषा होगी प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न होने का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे यह क्या हो गया। ठीक है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है इसमें। तो ये जो क्या शब्द है, ये इसके आगे ये है जो लगा हुआ है, तो ये यह क्या, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही वह कौन है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसने किया, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होने का बोध जिन शब्दों द्वारा होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला लेते हैं अपने छठा लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी
कर्ता जब वाक्य में स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, तो वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने अपने आप भोजन बनाया, तो अपने आप यानी वो खुद के लिए ऐसे शब्द को यूज कर रहा है कर्ता। दूसरा, मैं स्वयं इस कार्य को करूँगा, तो मैं स्वयं, स्वयं जो शब्द है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। निजवाचक सर्वनाम जब कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने आप भोजन बनाया, ये वाक्य है, मैंने अपने आप भोजन बनाया, तो ये अपने आप जो शब्द है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी मैंने, यानी ये इसके लिए हो रहा है, कर्ता के लिए। ठीक है, अपने आप भोजन बनाया। ऐसे दूसरा, मैं स्वयं अपना कार्य करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना शब्द है तो ये आया है, तो ये कर्ता अपने लिए कर रहा है, तो इस तरीके से ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जब कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम, 6 प्रकार के सर्वनाम थे, वो पूरे हुए। अब लेते हैं कि सर्वनाम शब्दों का वचन, कारक और लिंग के अनुसार किस प्रकार प्रयोग होता है, यानी वचन और कारक और लिंग, इनके साथ में सर्वनाम जो होते हैं उनका प्रयोग कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। वचन होते हैं तो आपको मालूम है, वचन एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से संबोधन कारक है उसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, केवल 7 कारकों का सर्वनाम के साथ लिंक होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं वचन के साथ। वचन ये होते हैं एक वचन, और इधर लिख देता हूं मैं बहुवचन। अब हम सर्वनाम देखते हैं, तो सर्वनाम एक वचन में, जैसे मैं, तू, वह, ये एक वचन होते हैं, मैं, तू, वह। और बहुवचन में सर्वनाम कौन से होते हैं, हम, तुम, आ, हम, तुम, आ। तो इस तरीके से ये सर्वनाम होते हैं, एक वचन में मैं, तू, वह, और बहुवचन में हम, तुम, आप। ठीक है, कारक में क्या होता है, अब लेते हैं कारक में। कारक में भी एक वचन और बहुवचन
होते हैं सर्वनाम, तो सबसे पहले कर्ताकारक में जो सर्वनाम शब्द एकवचन का होता है तो वो क्या होता है, वो होते हैं जैसे मैं, तू, वह, ठीक है। और बहुवचन में होता है हम, तुम, आप। हम, तुम, आप, ठीक है। ऐसे ही कर्म कारक में सर्वनाम जो होते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक में जैसे को जो विभक्ति चिन्ह होती है तो उसको हम जो एकवचन सर्वनाम होते हैं जैसे मैं है तो मुझको हो जाएगा, मुझको, तुझको, ठीक है। ऐसे ही तुझे, मुझे, मुझे, तुझे, तो इस तरीके से ये एकवचन में कर्म कारक में सर्वनाम होते हैं। बहुवचन में कैसे होगा, बहुवचन में देखो हमको, इसके पीछे को जोड़ देते हैं, हमको, तुमको, आपको, ठीक है, तो ये बहुवचन हो जाएगा सर्वनाम। ऐसे ही करण कारक में से होता है, से विभक्ति चिन्ह होता है, तो उसमें क्या होगा, जो मुझको लिखा हुआ है तो मुझको हटा देंगे तो मुझ से लगा देंगे इसमें, तो ये करण कारक में एकवचन सर्वनाम हो जाएगा मुझसे। तुझको है तो तुझसे। ये जो से है ये क्या है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह को है तो ये जोड़ दिया इसमें एकवचन, ठीक है, मुझसे, तुझसे और आपसे, ये बहुवचन में आएगा, सॉरी, आपसे, हमसे, तुमसे, ठीक है, ये बहुवचन में आएंगे सर्वनाम करण कारक, ठीक है। अब आता है चौथा आएगा संप्रदान कारक में क्या होता है, के लिए होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, तो यहां पर क्या होगा, ये मुझको, तुझको, तेरे लिए, मेरे लिए, इस तरीके से होगा, क्योंकि को विभक्ति चिन्ह भी होता है इसमें और के लिए भी होता है, तो मुझको, तुझको, मेरे लिए, तेरे लिए, ठीक है, मुझको, तुझको, मेरे लिए, तेरे लिए, इसमें ये एकवचन में है। अब बहुवचन में कैसे आएगा सर्वनाम, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, तो ये बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संप्रदान कारक में को और के लिए, यानी को विभक्ति चिन्ह होता है और के लिए भी होता है, के लिए। करण कारक में क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म कारक में क्या होता है, को विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता कारक में क्या होता है, ने विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, तो मैं, तू, वह, तो इस तरीके से ये होते हैं। अब आता है आपके पांचवा जो कारक है, अपादान कारक। अपादान कारक में सर्वनाम शब्द जो होता है एकवचन में वो कौन सा होगा, से, मुझसे,
तुझसे मुझसे तुझसे और उससे, ये सब एक वचन में आएंगे। और बहुवचन में क्या आएगा? बहुवचन में आएगा जैसे हमसे, तुमसे, उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपसे, अपदान कारक में से जो है वो अलग होने का भाव है, इसमें क्या है? अलग होने का भाव। अब छठा आता है, वो आता है संबंध कारक। संबंध कारक में जो सर्वनाम होते हैं एक वचन में, तो वो है जैसे मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, ये आते हैं एक वचन में, ठीक है। उसका, उसकी, उसका, उसकी, और बहुवचन में क्या आएगा? जैसे तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है, उनका, उनकी, ये इस तरीके से सर्वनाम आते हैं। सातवां आता है आपके अधिकरण कारक, तो मैं ऊपर लिख देता हूं सातवां अधिकरण कारक। इसके अंदर जो सर्वनाम शब्द है एक वचन और बहुवचन में, सातवां अधिकरण कारक। इसके अंदर जो एक वचन सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि तुझ में, मैं, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मैं और पर, क्रिया का आधार होता है इसमें। तो अधिकरण कारक में एक वचन जो होगा उसके पीछे मुझ में मैं जोड़ देते हैं, मुझ पर लगा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से के तुझ पर, तरीके से तुझ पर, तुझ में, ठीक है, ये एक वचन में हो जाएगा। अब बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में जो सर्वनाम आएंगे अधिकरण कारक में, उसमें आएंगे जैसे कि हम पर, तुम पर, हम पर, तुम पर, हम में, आप में, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं अधिकरण कारक में एक वचन में मैं और पर विभक्ति जो चिन्ह होता है वो उसमें जुड़ता है, ठीक है। तो ये सर्वनाम शब्द हैं एक वचन के अंदर और बहुवचन के अंदर, हम पर, तुम पर, हम में, आप में, ये अधिकरण कारक के अंदर लिखे जाते हैं। अब आते हैं आपके, ये तो हुआ वचन और कारक के साथ सर्वनाम का प्रयोग। अब है लिंग। लिंग में क्या होता है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है उसमें लिंग के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्तियों के लिए सर्वनाम जो शब्द होता है वो एक ही होता है, ठीक है। केवल जो किसी वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है, क्रिया के आधार पर हम उस सर्वनाम में भेद बता सकते हैं कि ये स्त्री में है, ये पुरुष में है, ठीक है। तो वो लिंग के आधार पर देखिए लिंग में सर्वनाम किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा है आपके लिंग। लिंग में
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। लिंग में स्वर्णनाम शब्दों का प्रयोग, स्त्री पुरुष दोनों में एक ही प्रकार का होता है, लेकिन क्रिया के आधार पर इसमें अंतर बताया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, मैं उदाहरण लेता हूँ कि क्रिया के आधार पर किस प्रकार से होता है कि राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा में प्रथम आता है, ठीक है। तो राम क्या है, एक पुरुष है, क्या है, ये पुरुष है। तो यहाँ पर वह जो शब्द है ये किसके आधार पर आया है, क्रिया के आधार पर, यानी आता है, आता है किस में आता है, क्रिया में, पुरुष में। तो क्रिया के आधार पर ये वह स्वर्णनाम शब्द है। ऐसे ही मैं दूसरा लिखता हूँ, सीता सीता गाना गा रही है तथा वह डांस भी कर रही है, कर रही है। अब इसमें सीता क्या है, स्त्री, गा रही है क्रिया है, तथा वह, वह देखो इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो लिंग के आधार पर तो ये स्वर्णनाम शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन क्रिया के आधार पर इनमें अंतर बताया जाता है। तो यहाँ पर जो कर रही है ये क्रिया है, तो ये क्रिया का आधार हो गया, तो यहाँ पर ये जो वह है वो क्या है, स्त्री को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंग में स्वर्णनाम शब्दों का प्रयोग हम केवल क्रिया के आधार पर ही, क्रिया के आधार पर ही अंतर बता सकते हैं। बाकी स्वर्णनाम जो शब्द होते हैं वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक जैसे ही होते हैं। तो ये स्वर्णनाम जो है वचन कारक और लिंग के साथ में प्रयोग में इस प्रकार से लिए जाते हैं। स्वर्णनाम अब यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको काल के बारे में बताऊंगा, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं, और जितना भी आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपने साथियों को भी लाइक करने के लिए कीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से ही वो हमें स्पष्ट दिखता है और हम होमवर्क कर सकते हैं। अब आगे जैसे कि पूरे भारत के अंदर बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, तो इससे बचाव भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो घर से कम निकलें और अपना बचाव करें, नाक मुंह को मास्क से ढककर रखें और हाथ को बार बार धोएं। धन्यवाद। तो सर